एवरीवन, माय नेम इज़ प्रताप पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल पढ़ाई में डीजी। एंड हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच के ऑलरेडी टू पार्ट कर चुके हैं, आज हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और टू पार्ट में हमने काफ़ी जो है फिगर्स ऑफ स्पीच को लोगों को लग रहा है कि 10-12 को तो डिस्कस किया ही होगा हमने, ठीक है। आगे देखते हैं कि और कितनी है और इन सब चीज़ों को मतलब कैसे समझा जाए, कैसे किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो अगली फिगर ऑफ स्पीच है हमारी ओनोमेटोपोइया। तो ओनोमेटोपोइया बेसिकली क्या होते हैं, साउंड वर्ड जो अगर कभी किसी लाइन में दिख जाए, किसी पोएट्री में, किसी प्रोज में जो साउंड वाले वर्ड दिख जाए, ऐसे वर्ड जो एक्चुअल साउंड की ही वर्ड को जो है डिफाइन करें, ठीक है। जैसे मान लो बेल को अगर डिफाइन करना है तो टन 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 है ना, तो बेल की जो साउंड होती क्या होती है, टन टन टन। मान लो जो है किसी जो है काऊ की साउंड को डिफाइन करना है तो मू। तो ये जो क्या होता है कि बेसिकली जो साउंड वाले ही वर्ड एग्जैक्टली वहाँ पे रख दिए जाएँ और वो लगे कि ये इस चीज़ का साउंड है, तो उस साउंड वर्ड को ही क्या कहते हैं, ओनोमेटोपोइया कहते हैं, ठीक है। तो ओनोमेटोपोइया इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड ऑफ द थिंग दे रिफर टू और डिस्क्राइब, ठीक है। यानी कि वो एक्चुअल साउंड को ही क्या करते हैं, ये रख के किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है। द बूम ऑफ अ फायर वर्क, जैसे मान लो क्या कह जाएगा, बूम कह देते हैं, तो क्या मतलब समझ में आएगा, फायर वर्क वाली बात हो रही। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक मतलब घड़ी की बात हो रही, डिंग डोंग मतलब डोरबेल की बात हो रही, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है। मशीन नॉइजेज में क्या होते हैं, हॉन्क बीप ब्रूम क्लैंग जैप बोइंग। एनिमल नॉइजेज क्या होती हैं, ककू विप पोर विल हुपिंग क्रेन शिकारी, ठीक है। इम्पैक्ट साउंड्स क्या होते हैं, किसी से टकराना है ना, इम्पैक्ट साउंड बूम क्रैश वैक थंप बैंग है ना, ये सब क्या हो गया, इम्पैक्ट यानी टकराने वाले साउंड हो गए। साउंड्स ऑफ द वॉइस श है ना, गिगल, ये जो क्या ना शुश लिखा है ना उसका मतलब क्या, श। और गिगल ग्रॉल, गिगल मतलब बहुत तेज से खटखटा के हंसना है ना। वाइन मरमर ब्लर्ट विस्पर हिस, ये सब क्या हो गया जो है साउंड्स हो गए, ठीक है। तो ये तो था ओनोमेटोपोइया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पन, तो पन बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो वर्ड ऑफ वर्ड प्ले करती है, मतलब शब्दों का खेल, मतलब कुछ शब्द ऐसे ही रख दिए जाएंगे कि जिससे सुन के मज़ा आ जाएगा, मतलब उससे रिलेटेड नहीं होंगे पर उनको ज़बरदस्ती ऐसा रख के उसको मज़ेदार बनाया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, पन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, अपन इज़ अ प्ले ऑफ वर्ड्स विच यूजली हिंजेस ऑन अ वर्ड विथ मोर देन वन मीनिंग और दी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ होमोनिम दैट चेंजेस द मीनिंग ऑफ दी सेंटेंस। तो पन में क्या होता है, अक्सर ऐसा शब्द यूज़ कर दिया जाता है जो एक ही शब्द कई मीनिंग दे देता है, या फिर जो है क्या नाम है, एक ऐसा शब्द यूज़ कर दिया जाता है जो कि क्या होता है कि उसको रखने से एक मज़ेदार इफेक्ट बन जाता है, मतलब उसका उससे रिलेशन नहीं है। होमोनिम साउंड एक जैसा रहेगा पर उसका उससे रिलेशन नहीं होगा और मज़ेदार बना देगा उसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिट इज़ अ वेल नोन पन, कॉर्डरॉय पिलोज आर मेकिंग हेडलाइंस। तो कॉर्डरॉय पिलोज कैसी होती है, उसके ऊपर जो है क्या होती है, ऊपर थोड़ा सा रफ उसका वो सरफेस होता है, और अगर उसके ऊपर उसको ऊपर सर रख के कोई सोएगा तो उसके सर में ढेर सारी लाइन 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 टाइप की बन जाएगी। जैसे होता है ना कुछ जो है रफ, अगर चीज़ों पे आप अगर अपना हाथ रख देते हैं थोड़ी देर रख के बैठे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर लाइन 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 जो है बन जाते हैं, तो वैसे ही कॉर्डरॉय पिलोज होते हैं। तो वही जो है क्या है, कॉर्डरॉय पिलोज आर मेकिंग हेडलाइंस। अब हेडलाइन का नॉर्मली मतलब क्या होता है, न्यूज़ हेडलाइन है ना, लेकिन यहाँ न्यूज़ हेडलाइन वाला नहीं है, वो सच में हेड में लाइन बना देता है, ठीक है, द वर्ड हेडलाइंस। तो ये इस तरीके से जो है क्या है, पन होता है। जैसे और कुछ एग्जाम्पल, जैसे सेंटा क्लॉज हेल्पर्स आर नोन एज सबॉर्डिनेट क्लॉजेस, मतलब वो लोग जो सेंटा क्लॉज को हेल्प करें वो क्या होंगे, सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब हेल्पर होता है। अच्छा, यहाँ सेंटा क्लॉज दूसरा है, सबॉर्डिनेट क्लॉज इंग्लिश वाला ग्रामर वाला सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो मतलब क्या किया गया है, थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए इसको जो है इस तरीके से होमोनिम को एक साथ में रख दिया गया। शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डेवलप्ड इट, उसकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी लेकिन आज तक कभी डेवलप ही नहीं हुई, मतलब थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए है ना भैया, मेमोरी तो है उसकी पर डेवलप ही नहीं हुई, मतलब कहने का मतलब उसके साथ जो है मजाक किया जा रहा है। द टू पियानिस्ट हैड अ गुड मैरिज, दो पियानिस्ट की बढ़िया शादी हुई, दे ऑलवेज वर इन अकॉर्ड है ना भाई। इन अकॉर्ड मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो पियानो जब बजता है तो जब दो पियानो एक दूसरे के साथ क्या होगा, उनको सिंक में रहें, एक दूसरे के साथ उनका म्यूजिक जो है कंबाइन हो जाए और कुछ अंतर ना पता चले, तो उसे क्या कहते हैं, कॉर्ड में कहेंगे। और एक अच्छी शादी है भाई, दोनों लोग एक बढ़िया अच्छी ट्यूनिंग है, तो उन्हें भी कॉर्ड में कहेंगे। अब स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट हाउ लाइटनिंग वर्क्स, मैं
कोशिश कर रहा था कि लाइटनिंग कैसे काम करती है, बट देन इट स्ट्रक मी, लेकिन एक दिन मुझे ही लग गई, तो लग गई तो पता चल जाएगा कि कैसे काम करती है। और जहाँ लाइटनिंग के बाद जो है आदमी का पता ही है, बचना तो मुश्किल है। द ग्रामेरियन वॉज वेरी लॉजिकल, ही हैड अ लॉट ऑफ कॉमा सेंस, है ना। देखो कॉमन सेंस को क्या बना दिया है, कॉमा सेंस, यानी देखो एक होमोनिम कॉमन सेंस का, जो कॉमन सेंस होना चाहिए था उसको क्या कर दिया, कॉमा सेंस कर दिया। अब चूंकि ये क्या है, ग्रामेरियन है, तो कॉमा उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कॉमा सेंस कर दिया गया। ठीक है, मतलब क्या है, कुछ ऐसा वर्ड प्ले जिससे क्या होता है, चीज़ें क्या हो, मज़ेदार बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पन हो गया एंटीथेसिस, एंटीथेसिस विच लिटरली मीन्स अपोजिट। एंटीथेसिस का बेसिक मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो एक ये ऐसी रिटोरिकल या फिर फिगर ऑफ स्पीच है या फिर डेकोरेटिव डिवाइस है जो क्या करती है कि दो अपोजिट आइडियाज़ को जो है एक ही सेंटेंस में रख देती है, दोनों चीज़ में अंतर दिखाने के लिए, कंट्रास्टिंग इफेक्ट के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, जैसे एंटीथेसिस एम्फसाइजेस द आइडिया ऑफ अ कंट्रास्ट बाई पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रास्टेड फ्रेजेज और क्लॉजेस। तो मतलब एक दो अलग अलग क्लॉजेज और फ्रेजेज को एक साथ में रख के दो बहुत ही अलग अलग आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। जैसे मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, मतलब इंसान जो है किसी चीज़ के बारे में प्रयास करता है और भगवान को नहीं पसंद है तो उसको, है ना, ख़त्म कर देता है। और लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज़ अ रियल थिंग, मतलब लव क्या है, बहुत ही आदर्श चीज़ है, और मैरिज क्या है, एक रियल चीज़ है। ठीक है, गोएथ कहते हैं, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। देखो स्मॉल स्टेप फॉर मैन, ये नील आर्मस्ट्रांग कहते हैं जब वो मून पे गए थे तब की बात कहते हैं। ठीक है, स्मॉल और जायंट दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ में रख दिया गया है, मतलब ये छोटा सा कदम है इंसान के लिए पर मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम है भाई। अब ऐसा कैसे हो सकता है, दो अपोजिट कंट्रास्टिंग चीज़ों को यहाँ पे रख के ये बताया जाने की कोशिश की कि है भले ही सबसे छोटा कदम, मैंने जो कदम बढ़ाया वो बहुत ही छोटा था, पर ये सच में मानवता के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। ठीक है, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, मतलब इंसान की गलती करने की आदत है और माफ़ करना भगवान की आदत है। ठीक है, तो मतलब यहाँ देखो एरर और फॉरगिव दो अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ में रखा गया। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, हर व्यक्ति को क्यों सुनो लेकिन कुछ ही लोगों के लिए खड़े होके बोलो। ये कौन बोला है, विलियम शेक्सपियर। मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं लेकिन उसमें से चूज बहुत ही कम किए जाते हैं। देखो कॉल्ड चूजिंग, तो ये क्या है, दो अपोजिट एंड कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं जो एक साथ में रखे गए, मैथ्यू ने कहा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंटीथेसिस हो गया, एपिग्राम, एपिग्राम इज अ रिटोरिकल डिवाइस दैट इज मेमोरेबल, ब्रीफ, इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग सेटेरिकल स्टेटमेंट। दिस लिटरेरी डिवाइस इज कॉमनली यूज इन पोएट्री वेयर इट अपियर्स एज अ शॉर्ट सेटेरिकल पोएम विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट एंडिंग इन एन इंजीनियस और विटी थॉट। तो बेसिकली देखो एपीग्राम और एंटीथेसिस काफ़ी लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं, तो एंटीथेसिस में याद रखना है दो अपोजिट आइडियाज होंगे, पर एपीग्राम क्या होगा, एक मतलब एक कहावत टाइप का रहेगा, ऐसे समझना है इसको, एक कहावत टाइप का रहेगा जो कि आप और हम आप लगभग जो है अक्सर कई बार सुनते आते रहते हैं। ठीक है, और वो हमेशा उसका जो एंड होगा काफ़ी विटी होगा, मज़ेदार होगा। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें उसमें होंगी। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ब्रीफ, कुछ शॉर्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट उसमें रखे जाएंगे, तो ये होगा एपिग्राम। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वॉर और वॉर विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड, इंसान को लड़ाई ख़त्म कर देनी चाहिए नहीं तो लड़ाई इंसान को ख़त्म कर देगी। तो ये क्या है, जो इसका एट सेकेंड पार्ट हो क्या है, एक तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग चीज़ है ना, लड़ाई को ख़त्म करो नहीं तो तुम्हें ही ख़त्म कर देगी। जॉन एफ कैनेडी, इफ़ यू डोंट एंड वार, वार विल एंड अस, ये कौन कहा था, जी वेल्स ने कहा था। फिर इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स दी डार्कनेस, मतलब अंधेरे को जो है कर्स यानी उसको भला बुरा कहने से अच्छा है कि दिया जला दो, डार्कनेस अपने आप ही चला जाएगा। ये कौन कहा था, एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था। अ वर्ड टू द वाइज एंड नेसेसरी, इट्स द स्टूपिड वंस हु नीड ऑल दी एडवाइस, मतलब कह रहे हैं बुद्धिमान को एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं, एडवाइस की जरूरत किसको है, जो मूर्ख लोग हैं उनको दो, है ना। लिव सिंपली सो दैट अदर्स मे लिव सिंपली, साधारण जीवन जियो ताकि बाकी के लोग भी साधारण जीवन जीने में कोई शर्म न करें, उनको बुरा ना लगे, वो भी साधारण जीवन आसानी से जी सके। कौन कहा था, मदर टेरेसा। मतलब आपके पास बहुत कुछ है तब भी साधारण जीवन जिए, तो ताकि जो है दूसरे लोग भी साधारण जीवन जी सकें।
आई एम स्टार्टिंग विद द मेन मैन इन द मिरर, और ये कौन कहा था, माइकल जैक्सन। मतलब ये देखो ये थॉट है कि मैं हमेशा किससे अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, उस व्यक्ति से मैं उस अपने जो है जीवन की शुरुआत करता हूँ जो कि मेरे मिरर में होता है, यानी कि मैं खुद, यानी खुद का रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो एपिग्राम मतलब एक तरीके से क्या होते हैं कि ये किसी के थॉट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाता है ट्रांसफर ऑफ एपिथेट। तो ट्रांसफर ऑफ एपिथेट में क्या होता है कि इसमें अक्सर क्या होता है, कोई एक खास चीज़, कोई एक खास आइडिया जो है किसी दूसरी चीज़ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एपिथेट या फिर एन एडजेक्टिव ग्रामेटिकली क्वालिफाइज अ नाउन अदर देन द पर्सन और थिंग इट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग। मतलब ये क्या करता है, ये किसी और की बात करता है, बात किसी और की करता है पर कहता किसी और को है। ठीक है, आगे आगे एग्जाम्पल जब देखेंगे तो कल क्लियर। अ ट्रांसफर एपिथेट ऑफन इन्वॉल्व शिफ्टिंग अ मॉडिफायर फ्रॉम एनिमेट टू द इनएनिमेट। अक्सर ये एनिमेट यानी जो है लिविंग चीज़ें से हट के नॉन लिविंग पे चीज़ों को डाल देता है। एज दी फ्रेजेज चेयरफुल मनी। अब देखो चेयरफुल क्या है, एनिमेट चीज़ है यानी एक इंसान की क्वालिटी है। मनी मनी तो नहीं होती है, पर यहाँ पे चेयरफुल मनी यानी इंसानी इफेक्ट को किस पे जो है डालने की कोशिश की गई है, मनी के ऊपर। स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस कौन होता है, इंसान होता है, एनिमेट चीज़ है। ठीक है, नाइट, नाइट थोड़ी ना जो है कभी ऐसा थोड़ी ना कि रात जागती हो रात सोती हो, इंसान सोता है इंसान जागता है, पर हम फिर भी कहते हैं स्लीपलेस नाइट। मतलब रात कैसी थी, नींद वाली नहीं थी। ठीक है, हम उस इफेक्ट को किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, रात के ऊपर ट्रांसफ़र। एंड सुसाइडल स्काई, सुसाइडल कौन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, पर हम क्या कर रहे हैं स्काई को कह दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, किसी चीज़ का इफेक्ट किसी और चीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना, इसे क्या कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एपिथेट। अ केयरलेस मैच, मैच थोड़ी ना केयरलेस था, केयरलेस कौन थे, प्लेयर्स थे, पर हमने फिर भी क्या कर दिया, पूरा का पूरा उठा के किसके ऊपर डाल दिया, मैच के ऊपर डाल दिया। एनिमेट से इनएनिमेट के ऊपर डाल दिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद जो है टायरिंग मंडे। अब मंडे थोड़ी ना बेकार रहेगा, थका कौन होगा, इंसान जो काम किया होगा, पर हम उसका इफेक्ट किसके ऊपर, भाई मंडे के दिन उसने ज़्यादा काम किया तो मंडे के ऊपर उसने जो है पूरा इफेक्ट डाल दिया, तो इसे क्या कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट। द वेरी रोड है ना, रोड जो है खराब, मतलब जो है वेरी एक्चुअली में क्या होता है, वेरी रोड थोड़ी ना होती है, वेरी तो एक तरीके से वहाँ के पीसेस टुकड़े जो होते हैं वो सब होते हैं, वो हट गए, लेकिन हमने कह दिया रोड के जो है क्या हो गई, वेरी हो गई। वाइड आइड अमेजमेंट है ना, मतलब खुली आँखों का जो है चमत्कार। अब आँखें तो खुली रहेंगी तभी ना चमत्कार दिखेगा, अमेजमेंट क्या होगा जब आँखें खुली रहेगी, लेकिन हमने फिर भी क्या किया उसको, उस चीज़ को जो क्या किया है ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, किसी और चीज़ के ऊपर, तो इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ एपिथेट। ठीक है, बेसिकली इतना सा समझना है कि ट्रांसफर ऑफ एपिथेट में कहना किसी, होता वो चीज़ किसी और के साथ में, पर वो कहा किसी और के साथ। जैसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्लीपलेस नाइट और टायरिंग मंडे। रात थोड़ी ना स्लीपलेस होती है, इंसान स्लीपलेस होता है। मंडे थोड़ी ना टायरिंग होता है, इंसान टायरिंग होता है, पर उसको जो है किसी और के ऊपर वो इफेक्ट को डाल देता है, इसे क्या कहते हैं ट्रांसफर ऑफ एपिथेट कहते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ें, तो थैंक यू, अब जो है इतना ही था आज के लिए, और आगे की फिगर ऑफ स्पीच अगले वीडियो में आएगी। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन, कीप ऑन वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, पढ़ाई मिली सी।